माँ ठीक से टिक के बैठी रहे। आ क्या हुआ, ये चोट कैसे लग गई? मैं कुछ पूछ रही हूँ। रास्ते पर चल रही थी ना, तो चलते चलते पैर फिसल गया। बिल्कुल अब तो कोई छोटी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई, शादी होने वाली थी। तो ऐसी हरकतें करता है कि तेरे प्यारे से चेहरे को कुछ हो जाता तो? नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बाहर जाऊंगी तो केयरफुल रहूंगी। अच्छा सुन, फटाफट तैयार हो जा, प्रज्ञा दीदी का फोन आया था, उनके घर में आज नए साल की पार्टी। तो आप ये उदास होकर क्यों कह रहे हो? तो और क्या करूं, जब भी उस घर में कोई त्योहार या पार्टी होती है ना, मुझे प्रज्ञा को लेकर बड़ी चिंता हो जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है इस घर में कि जिसकी वजह से प्रज्ञा और अभी के बीच की दूरी बढ़ जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कोई ऐसा दिन आएगा कि जब उनकी सब मुश्किलें खत्म हो जाए। वही सोच रही जो मैं सोच रही हूँ? क्या सोच रही? देखो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। कैसा मौका? देखो खुशी का माहौल है, तो दी और जीजू हमारे आसपास ही रहेंगे, तो तुम्हें नहीं लगता हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे वो एक दूसरे के पास आ जाए, हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाए? आई मीन देखो ना पूरा, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमारी शादी तय की है, तो हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। You're right. In fact, मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा था। You know, हमें कुछ अच्छा करना चाहिए उन लोगों के लिए। Promise करो। पूरा देखो, जब तक दीदी और जीजू एक दूसरे के नहीं हो जाते तब तक हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे। प्लीज। I promise ऐसा ही होगा। You know what? इस खुशी की शुरुआत ना हम आज के न्यू ईयर की पार्टी से करें। अच्छा? Of course. बस कोई प्लान भी है या ऐसे ही बोल रहे हो? बहुत ही कड़क प्लान, तुम देखती जाओ आज होने क्या। यू नो ये पार्टी ऐसी होगी कि ये दोनों जिंदगी भर याद रखेंगे। यू जस्ट वेट एंड वॉच। राम सिंह खाना ना ज्यादा स्पाइसी मत बनवाना, बाहर से काफी मेहमान आने वाले और वो स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते। और ये सारा सामान प्लीज बाहर रख दो, लोग आएंगे देखेंगे क्या कहेंगे। प्लीज। ओके सर। अरे किटिंग वाले कहाँ रह गए? ये तो बुलबुल ही हो सकती है। राम सिंह यहां सामान पड़े, इसे प्लीज अंदर कमरे में रखवा दो। तुम मुझे तंग कर रहे थे ना? तुम भी तो तंग कर रही थी मुझे। बाय द वे आई मिस्ड यू। By the way, I love you. I love you too. मुझे एक बात बताओ, तुम ये सब क्या कर रहे थे? तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? अरे मुझे याद है मुझे क्या करना है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली जा रहे, बस मीतू का वेट है। मीतू? ये कौन है? मीतू उस
मुझसे ना किसी की भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, वो जब यहाँ आएगी ना तुम खुद पहचान जाओगे। चलो चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? मेरे घर। ये तुम्हारा घर नहीं है बुलबुल, और तुम यहाँ पर कभी कभी भी खुश नहीं रहोगी। चलो। मैं तुम्हारे घर क्यों चलूँ? क्योंकि बुलबुल तुम ना वहीं पर खुश रहोगी, तो मैं यहीं खुश हूँ, मुझे कहीं नहीं जा। बुलबुल चलो। देखो सुरेश, मेरे दी, मैं तुमसे इस बारे में बात। शराब? तुमने शराब पी है? क्या? मैं नहीं, मैंने शराब नहीं पी है। चलो बुलबुल। सुरेश तुम होश में नहीं हो, तुम गेस्ट रूम में जाकर आराम करो। बुलबुल की शादी तय होने जा रही है और तुम कह रही हो कि मैं और क्या? कम ऑन, तुम्हें तो सब पता है, और उसके बावजूद तुम मुझे कह रही हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। ठीक है ओके, मैं चले जाता हूँ क्या, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊँगा, बुलबुल को मेरे साथ चलना पड़ेगा। सुरेश मेरा हाथ छोड़ो। हाथ नहीं छोड़ूंगा, तो मेरे साथ तुम्हें छोड़ना। सुरेश मेरा हाथ छोड़। पंडित जी मैं इसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। ये क्या पागलपन है? आप इसे चाहे जो मर्जी कह लीजिए, मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगा। चलो तुम अपनी हद में रहो, हद पार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने हद पार नहीं की तो बुलबुल की शादी हो जाएगी। मैंने कहा छोड़ो इसका हाथ। मैं इसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरी बड़ी बेटी के ससुराल में खड़े होकर मेरी छोटी बेटी की छाती तोड़ना चाहते हो? अरे तुम होती कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हक बनता है तुम्हारा बुलबुल का हाथ पकड़ने का? मैं बुलबुल से प्यार करता हूँ, हक से मैंने उसका हाथ थामा। बुलबुल मैं तुमसे प्यार करता हूं बुलबुल। मेरा प्यार कुछ दिनों या कुछ महीनों का नहीं है। मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। हाँ, और आंटी जी उस दिन प्रज्ञा से शादी करने के लिए इसलिए हाँ कहा क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग ना मेरी शादी बुलबुल से कराने वाले हो, इसलिए मैंने हाँ कहा। तुम पागल हो गए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं जानता हूँ कि जब प्यार एक तरफा होता है तो लोग उसे बकवास ही कहते हैं। मैं कभी अपनी दिल की बात नहीं कर पाया, दिल की बात हमेशा दिल में रही, पर मैं हमेशा सोचता था कि एक ना एक दिन बुलबुल को जरूर मेरे प्यार का एहसास हो जाएगा। आज जब बुलबुल की शादी तय हो रही थी तो मैं अपने आप को ना रोक नहीं पाया, इसीलिए बुलबुल अब तो तुम्हें पता चल गया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उससे शादी? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नफरत करती हूं मैं तुमसे। तो मैं तो क्या, कोई लड़की शादी नहीं करेगी, शादी तो दूर, तुमसे दोस्ती भी नहीं करना चाहेगी। मेरी दी के साथ तुमने जो कुछ भी किया उसे
मैं भूली नहीं हूँ अब तक, लेकिन मेरी दी सब कुछ भूल गई, क्योंकि वो इतनी अच्छी है, उसने तुम्हें यहाँ इनवाइट किया, इतनी इज्जत दी, और तुमने क्या किया? बदले में तुम उसकी लाइफ स्पॉइल करना चाहते हो, अब मेरी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो तुम। तुमसे मैं तो क्या कोई लड़की शादी नहीं करना चाहेगी। बोलिए, वो होश में नहीं, उसे नहीं पता वो क्या बोल। सब पता है उसे, लेकिन तू नहीं जानती इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसने जानबूझकर तेरे साथ सब कुछ किया, धोखा दिया, फायदा उठाया तेरा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना मिस्टर सुरेश, वो मैं होने नहीं दूंगी, समझे तू? बुलबुल, ऐसा मत बोलो बुलबुल।